हाय दोस्तों, मैं हूं तौकीर आलम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल टी एडवाइज। आइए एक मजेदार वर्ड के बारे में बात करते हैं। अगर आपको एक वाक्य मिल जाए और उस वाक्य में लिखा हो द डॉक्टर एंड पेंटर डाइड यस्टरडे, तो आप इसका अर्थ क्या समझेंगे? क्या आप ये समझेंगे कि दो लोग मरे, पहला डॉक्टर था और दूसरा पेंटर था, या फिर आप ये समझेंगे कि एक ही इंसान मरा जो डॉक्टर भी था और पेंटर भी था? अगर आपको ऐसा कहना हो कि दो लोग मरे, एक डॉक्टर था और एक पेंटर था, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन? कई बार ऐसा होता है कि आदमी एक होता है लेकिन उसके अंदर कई क्वालिटीज होती हैं। वो टीचर भी होता है, पेंटर भी होता है और वह सिंगर भी होता है। तो अगर कोई एक आदमी मर जाता है जो टीचर भी है, पेंटर भी है और सिंगर भी है, तो हम कैसे सेंटेंस को बोलें ताकि पता चले कि आदमी एक ही मरा है लेकिन उसकी क्वालिटीज अलग अलग थी? वो टीचर भी था, वो पेंटर भी था और वो सिंगर भी था। जवाब बहुत इजी है। जितने भी नाउन आए रहेंगे, जैसे टीचर, पेंटर और सिंगर, अगर सभी नाउन के पहले द लगा हुआ है, THE, द का यूज हुआ है, तो इसका मतलब आदमी एक नहीं, आदमी अलग अलग हैं। वो सभी अलग अलग नाउन हैं। जैसे अगर मैं कहूं द डॉक्टर, द पेंटर, द टीचर डाइड यस्टरडे, तो इसका मतलब ये हुआ कल तीन लोग मरे थे, जिसमें एक डॉक्टर था, एक पेंटर था और एक सिंगर था। लेकिन ये तीनों क्वालिटी एक ही आदमी के अंदर हो, एक ही आदमी मरा हो जो डॉक्टर भी हो, पेंटर भी हो और टीचर भी हो, तो हम ऐसे बोलेंगे द डॉक्टर, पेंटर एंड सिंगर डाइड यस्टरडे, द फॉर्मर एंड राइटर आस्क्ड मनी। यहाँ पहले नाउन से पहले द का यूज हुआ है लेकिन दूसरे नाउन से पहले द का यूज नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ आदमी दो नहीं एक है, वो किसान भी है और वो राइटर भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ द फॉर्मर एंड द राइटर केम टू मी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो लोग आए थे, पहला किसान था और दूसरा राइटर था। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट के साथ बताइए। मैं मिलूंगा कुछ और अच्छे लेसन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।